the diffusion cloud chamber. Students, diffusion cloud chamber actually हमारे पास एक particle detector है, यानी यहाँ पर हम ionizing particles जो है वो detect कर सकते हैं. Detection का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज की presence या absence check करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं detection. For example, यहाँ पर एक पार्टिकल है, लेट सपोज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और हम फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है या एबसेंट है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिटेक्शन. और इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है, तो इस तरह के पार्टिकल्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं या रेस को चेक करने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं. और यहां पर जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास जो चैम्बर यूज होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर. अब डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर में एक्चुअली इसमें हम एक क्लाउड प्रोड्यूस कर लेते हैं, वेपर फॉर्म में एक क्लाउड प्रोड्यूस कर लेते हैं, डिफ्यूजन क्लाउड प्रोड्यूस कर लेते हैं. और ये जो चैम्बर है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये जो चैम्बर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आपको फिगर में नजर आ रहा है, इसमें हम पार्टिकल्स डिटेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका अपर एंड है ये वाला, या अगर हम ब्लैक एरो से इसको शो कर लें, ये जो चैम्बर है जो हमने ब्लैक एरो से शो किए यहाँ पर, यहाँ पर एक्चुअली हम सेचुरेटेड एयर जो है वो इसमें इनक्लोज कर लेते हैं, और प्लस इसके साथ अल्कोहल भी हो सकता है. अल्कोहल होता है और सेचुरेटेड एयर होता है, इसके साथ दूसरा होता है अल्कोहल. और ये एक्चुअली एक बात की, ये सुपर सेचुरेटेड होता है. सुपर सेचुरेटेड का मतलब ये है कि जब हम किसी सोल्यूशन में जो सोल्यूट हमने सॉल्व डिजोल्व किया होता है वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर उसमें हम डिजोल्व कर ले तो हम कहते हैं ये सुपर सेचुरेटेड है. तो यहां पर हमारे पास एक सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास एयर है, एयर और अल्कोहल है, एयर प्लस अल्कोहल, इन दोनों का हम सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो यूज कर रहे हैं. और ये जो राइट साइड पर, ये तो हमारे पास आ गया सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन यहां पर, और जो राइट साइड पर ये आपको कॉर्क सी शेप नजर आ रही है, ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव सोर्स. एक्चुअली वो मटेरियल है जो हमें रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहां पर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि अल्फा बीटा पार्टिकल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, या उनके पाथ्स किस तरह बनते हैं. सो एक्चुअली ये हमें प्रोड्यूस करता है, हमें प्रोवाइड करता है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गेमा रेज. ये हमें जिस सोर्स से प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स. इसी तरह इसके नीचे आप देख रहे हैं रेडियो एक्टिव सोर्स के नीचे यहां पर ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहे बैंड, इसको हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर लिखा हुआ है, या इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं. ड्राई आइस, जब कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसको हम इतना कूल कर लेते हैं अबाउट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस इसको कहते हैं. बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं यहां पर. इसके नीचे फोम रबर है, इसको जो सपोर्ट देता है, देखिए फोम रबर हम यूज कर रहे हैं. और इस फोम जो हमारे पास ड्राई आइस है, इसका ये जो अपर पार्ट है ये वाला जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ये एक्चुअली ब्लैक मेटल प्लेट होता है. ब्लैक मेटल प्लेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, तो इसीलिए जो पाथ्स यहां पर बनेंगे ताकि हम वो हमें क्लियर नजर आ जाए, इसीलिए यहां पर हम ब्लैक मेटल प्लेट यूज करते हैं. और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट, ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वो होता है जिससे आप एक तरफ से देख रहे हो और दूसरी तरफ की चीजें आपको नजर आ जाए, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि जो पाथ्स यहां पर बनते हैं वो हमें इजीली नजर आ जाए. सो देन ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है. अब ऑपरेशन किस तरह होता है कि देखिए यहां पर हमने सिर्फ अल्फा सोर्स
इसने शो किया हुआ है, लेकिन हम एक ऐसा सोर्स यहाँ पर यूज करते हैं जो कि अल्फा बी हमें प्रोवाइड कर सकें, अल्फा पार्टिकल इसके साथ साथ बीटा पार्टिकल्स भी प्रोवाइड कर सकें और गामा रेज भी प्रोवाइड कर सकें, चूंकि हमने हमें तीन किस्म के ये पार्टिकल्स या रेज जो है वो डिटेक्ट करने हैं। सो नेक्स्ट ये होता है कि यहां से फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा या गेमा, तो वो क्या करते हैं, अब लेट सपोज हम फर्स्ट अल्फा पर बात करते हैं, जब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स तो ये क्या करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हम जानते हैं कि इसमें दो न्यूट्रॉन्स होते हैं एक अल्फा पार्टिकल में और दो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होता है, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पर हम पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं। तो देखें जब ये यहां से निकलते हैं और इस वेपर चैम्बर में जब ये मूव करते हैं, क्योंकि बाहर क्या है वेपर है, अल्कोहल और एयर की जो है वेपर फॉर्म में है, सो जब ये मूव करता है इन वेपर्स में से तो क्या होता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और डबल पॉजिटिव चार्ज है, दो प्रोटॉन्स है इसमें, सो जब ये इस वेपर से पास करते हैं, सो वेपर्स के एटम्स से क्या करते हैं, इस फोर्स की वजह से, पॉजिटिव फोर्स की वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर नॉकआउट कर लेता है, यानी अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल एक एटम से बाहर निकालते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकलते हैं सो क्या होता है कि वो आयोनाइज हो जाता है, ये एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है, इसी चूंकि इसकी जो चार्ज है वो डबल है तो इसीलिए इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या है वो स्ट्रॉन्गर है, यानी वो इजीली एटम्स को आयोनाइज कर सकता है, स्ट्रॉन्गर आयोनाइजिंग पावर, स्ट्रॉन्ग जो चीजों को इजीली आयोनाइज कर सकता है, आयन्स बना सकता है, उसको हम कहते हैं कि इसकी आयोनाइजिंग पावर या आयोनाइजेशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अब जो अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं सो इसके साथ जो वाटर वेपर्स हैं वो इसके साथ चिमट जाते हैं, और ये हम जानते हैं कि वाटर जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जब उसके लिए कोई सरफेस मिलता है, यानी जब वो किसी सरफेस के ऊपर चिमट जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस का मतलब ये है कि वो गैसियस स्टेट से चले जाते हैं लिक्विड स्टेट में, और जब वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं तो वो इसके साथ चिमट जाते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो वो हमें ऊपर, चूंकि नीचे हमें ब्लैक प्लेट हमने रखा है सो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये एक ब्लैक प्लेट है, ब्लैक प्लेट जो कि हमने नीचे रखा हुआ है, प्लेस किया है। अब अल्फा पार्टिकल अगर यहां पर मूव कर रहे हैं, हमें उसको ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से देखें, सो देखिए हमें इस तरफ नीचे ब्लैक प्लेट है और ऊपर जो अल्फा पार्टिकल मूव करेगी सो हमें उसका जो ट्रैक है, जो पाथ है, वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका जो ट्रैक है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट चूंकि ये हैवी है इसीलिए ये इजीली डिविएट नहीं हो सकता, इसका जो रास्ता है, जो मोशन है इसका, वो टिल्टेड नहीं होता बल्कि स्ट्रेट जाता है, हाई एनर्जी की वजह से इसका मैस भी हाई होता है, स्ट्रेट होता है, और इसकी जो पाथ्स है वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा दूर तक जो है वो चलते हैं, कुछ की कम होती है तो वो जल्दी जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, तो जो पाथ्स हैं इनके वो स्ट्रेट होते हैं, थिकर होते हैं, थिकर चूंकि ये हैवी है तो इसीलिए इनके जो पाथ है वो क्या होते हैं, वो मोटे होते हैं। इसी तरह जो बीटा पार्टिकल्स हैं, जब बीटा पार्टिकल मूव करते हैं तो देखिए उन पर भी चार्ज होता है, अगर हम पॉजिटिव बीटा की बात करें तो उस पर पॉजिटिव वन चार्ज होता है, नेगेटिव बीटा की बात करें तो नेगेटिव वन चार्ज होता है। अब ये भी आयोनाइज कर सकता है जब ये पास करते हैं उस वेपर फॉर्म में से, वेपर सॉल्यूशन में से, सो उसको आयोनाइज कर लेता है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में सिंगल है, इसीलिए इसकी आयोनाइजिंग पावर जो है, आयोनाइजिंग पावर वो क्या है, वो उससे कम है, स्मॉलर है आयोनाइजिंग पावर, सो इसीलिए, और ये चूंकि हल्के भी है, इनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो इसीलिए इनकी जो पाथ्स है
वो ट्विस्टेड होती है, यानी इजीली ये अपना रास्ता जो है वो चेंज कर सकते हैं, चूंकि हल्के होते हैं इस तरह इनके पाथ्स हम ड्रा कर सकते हैं देखें, और इसकी जो पाथ्स हैं वो थिनर होगी यानी पतली होगी चूंकि इनके जो मैस है वो कम होता है। इसी तरह जो गेमा पार्टिकल्स हैं वो उसका आयनाइजेशन पावर बहुत कम होता है चूंकि उस पर चार्ज नहीं होता, जस्ट अपनी एनर्जी से वो आयनाइजेशन कर सकते हैं लेकिन बहुत शार्ट होता है और उनके भी पाथ्स जो है वो शार्ट होते हैं। तो इस तरह हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा और कौन सा गेमा।